देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इत्यादि शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में ये शरीफ कॉलोनी किरारपड़े का भाग कहलाता है। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं, ये वही एरिया परिसर है जहां करीब इसके बहुत नज़दीक राम मंदिर है, जहां पर दंगल हुआ था और उसको लेकर ये एरिया, ये औरंगाबाद शहर पूरे महाराष्ट्र में एक केंद्र बन चुका था राजनीति का। और जैसे समाचार मिले थे, आपको सब पता चल रहा होगा कि एक समाचार मिले थे कि इससे पहले जो बेकसूर बच्चे हैं वो शायद छूट जाए और उनकी ईद अपने घरों पे हो, ऐसी बात चल रही थी, ऐसी बहुत सी बात सुनने को आ रही थी। चलिए, आज मेरे साथ मौजूद है एमआईएम के एक बहुत बड़े जवाबदार हैं, हाजी साहब और ये बहुत कोशिशें भी कर रहे हैं। अब देखते हैं, उनकी जबान सुनना चाहते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ, आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि बच्चों की बेल नहीं हो सकी, और बातें क्या थी। सर, क्या कहेंगे आज? बड़ी और पूरे मोहल्ले के लोग पूरी आपको आशा भरी निगाह से देख रहे थे, लेकिन बच्चे बाहर नहीं आ सके, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले औरंगाबाद के तमाम मुसलमानों को कल की रमज़ान की ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, ये जो बात है ये टेक्निकल बात है और ये कहीं ना कहीं प्रशासन का मंशा थी कि भाई हमारे मुसलमान के जो बच्चे, बेगुनाह बच्चे जो गए हुए अंदर, ये ईद उन्होंने घर को नहीं मनाना चाहिए। वह 17 तारीख हुई, उसको सीए नहीं दिए, सीए नहीं गया, 19 को हुआ, ये 17 को हुआ, 19 को हुआ, नहीं हुआ। 21 तारीख के दिन 5:15 बजे जब कोर्ट बंद होता, उससे 5-15 मिनट पहले उन्होंने सीए ला के दिए। तो जाहिर बात है, सरकारी वकील बोलेंगे मेरे को टाइम नहीं मिला, पढ़ने को टाइम नहीं है, मेरे को ये दो करके, तो ये कहीं ना कहीं उनके उनके जैसा समझ में आ रहा वैसा वो काम कर रहे। और खैर, कोई नहीं, 26 तारीख दे भी है कोर्ट ने और 26 तारीख के दिन हियरिंग होंगी। कोर्ट ने आज ही बोला कि 26 तारीख को हियरिंग होंगी या 26 या 27 तारीख के दिन ऑर्डर मिल जाएगा, इंशाल्लाह उस दिन पूरे बच्चे छूट जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से खिजर पटेल इलेक्शन अपने वहाँ पर लड़ रहे हैं और खान सलीम खान भी है। हम पहले दिन से मेहनत कर रहे हैं और आ रहे जा रहे, सब सारी चीज़ें आए, उसमें टैक्स पावती जो भी लगना है, उसके पेपर लग रहे, वो हम सब पूरी कोशिश करके दे रहे हैं। सर, कल ईद है, चांद नज़र आ गया है और जो आपके परिसर के 22 बच्चे, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, अब कल की ईद के देखते हुए क्या उनके घर तक पहुँचे कि भाई आपके सेवाइयाँ है? खैर, आप ईद तो गम का माहौल है, लेकिन घर में मासूम बच्चे होते हैं, तो क्या इस बहाने से कभी कुछ बातचीत हुई? अभी आप मुलाकात करें आपने? नहीं, मैं फ़ोन पर मेरी बातचीत हुई, मैं अभी आया बाहर से और कल इंशाल्लाह उनके साथ में हम ईद मनाएंगे। हमारे महल्ले के जो लोग 22 जो गए हुए परिवार, उन्हीं के साथ में मेरी, हमारे सब लोग पूरे नौजवानों की ईद उन्हीं के साथ मनाई जाएंगी और उनको ऐसा महसूस नहीं, गम में ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि उनका बेकसूर बच्चा जो है तो जेल में गया है। और जिस दिन वो बच्चे की बेल हो जाएंगी सब लोग, उस टाइम पे और ईद के जैसी जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। सर, इसको लेके जो और भी जो एक तरह का हम कह सकते हैं कि अफवाह का बाजार गर्म है, कोई कह रहा है कि 4 महीने छूटेंगे, कोई 6 में छूटेंगे, तो ऐसी बातों पे क्या कहेंगे? हमें भी जानकारी इसकी नहीं है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, ये काम का, ये कोर्ट का मसला है, मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट और वकील, हम लोग से वहाँ जाके बाहर ये करके ले रहे, कोर्ट से जो है तो वकील ही लड़ रहे, जज से वकील ही काम कर रहे, वो कायदे का काम है। अब वो कितने कब होंगे, अल्लाह से उम्मीद रखो और अल्लाह से भरोसा भी है कि इंशाल्लाह 26 तारीख को हियरिंग हो जाएंगी, एक आध दिन आगे पीछे होकर उसकी ज़मीन हो जाएंगी, 27 को देंगे समझो कोर्ट। सर, आज जैसा बच्चों की ज़मीन नहीं हुई यार, बहुत आशय की जा रही थी, तो फिर आज की जो मामला आपका कैंसिल हुआ, तो खादर इंतजली साहब से असद अवी साहब को आपने रिपोर्ट पेश करेंगे, आज दिन भर में क्या हुआ? बिल्कुल, असद उद्दीन अवी साहब से पूरा टच में है, इम्तियाज़ जलील साहब से, ये उन्हीं के दोनों के हिदायत पर ये हम लोग जा रहे हैं और ये जितने वकील साहब को जगह खिजर पटेल साहब को लगाए, ये असदुद्दीन अवी साहब के एक आईने पे लगाए हुए हैं और खान सलीम खान जो है तो हमारे गफ्फार कादरी साहब के नृत्य उसमें चढ़ रहे, तो ये कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले दिन से साथ में है और पहले दिन से हम बच्चों के इसमें करे हुए लगे हुए हैं। सर, जैसा अभी आपने कहा कि कल की ईद हम उनके साथ मनाएंगे, तो क्या पूरे इमाम के जो आपके जो आपके ऐसे जो नेता है कि सब शिष्टमंडल के तौर पर घर पर जाएंगे, मुलाकात करेंगे, कैसा रहेंगे, कैसी ईद मनाएंगे? नहीं नहीं, हम हमारा अपना महल्ला है, ये मेरे अपने लोग हैं, कि हमारे अपने महल्ले के जो जितने लोग यहाँ खड़े हैं हम सब साथ में जाएंगे, साथ में मनाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई बाहर का कोई लीडर आके ये कराए, हम हमारे लीडरशिप के हिसाब से नहीं कर रहे, ये हमारे अपनी जवाबदारी है, ये हमारे अपने बच्चे, बेगुनाह बच्चे हैं मेरे महल्ले के, तो ये लोगों को कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं कि उनका टोटल दारोमदार वो बच्चों पर, इस आप अगर जाएंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे, उनके घर में जाएंगे तो
और ये पुलिस ने जो काम करी ना, जो लोका जो आरोपी थे मेन आरोपी वो आज तक पकड़ेंगे, और ये जितने 64 बच्चे पकड़े गए ये पूरे बेगुनाह और बेकसूर बच्चे गए। सर जैसा अभी आपने कहा कि वो उनका घर का दारोमदार उनके ऊपर था, तो उनका घर खर्चे की जवाबदारी, मतलब आप लोग खामोशी में मदद कर रहे हैं, कुछ है ऐसा सा फुल की तरह कहिए आप। नहीं नहीं देखो, सब जो मदद करने की मदद कर रहे हैं, और शहर के भी बहुत अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह ने जिसको मालदार बनाया और दिलदार बनाया, मालदार तो बहुत है पर जो दिलदार बनाया अल्लाह उन्होंने, ये सीधे हाथ से दे रहे तो आयत को मालूम नहीं पड़े, वो काम हो रहा चल रहा और वो चलेगा इंशाल्लाह। मतलब वो कोई परेशानी में नहीं है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। पर देखो गम जो अपन मनाते, बच्चा उनका घर का बच्चा नहीं है, किसका दूल्हा नहीं है किसका, ये तो वो हम कमी महसूस नहीं कर सकते, नहीं करने देते, पर बाकी जो दूसरे है वो चीज़ एक दूसरे को हिल मिल के हम सब करा के दे रहे हैं। उसमें माल जहन में आ गया करके हम दोबारा शूट कर रहे हैं कि जो 5 बच्चे जो नाबालिग बताए जा रहे थे वो कौन थे, कौन से एरिए के थे, उसके ऊपर कहाँ तक कार्रवाई हुई, किस तरह से हुई, थोड़ा उसका भी अपडेट ले लेते हैं। सर वो जो 5 बच्चे जो है वो कौन बच्चे थे, आपके वार्ड के थे, कहाँ के थे? 3 किराड़पुरे के थे, एक शरीफ कॉलोनी के था, और एक शमा होटल जो उनका कोई रिश्तेदार का, वो एक बच्चे, ऐसे 5 बच्चे थे। कल खिजर पटेल साहब ने उसको अग्रीमेंट किए, और सलीम चौश बोल के एडवोकेट है उन्होंने किए। तो खिजर पटेल साहब जो है तो हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के वकील है, जो असद साहब ने अपॉइंट किए थे, हम लोगों ने बोले असद साहब के बोलने पे हमने अपॉइंट किए थे। ये उनकी मेहनत से वो 5 बच्चे कल जामीन हो गई, 15,000 रुपये की जामीन थी, दो ज़मींदारों में वो ज़मीन कर ली कल। से आपने देखा यहाँ के स्थानिक माजी नगर सेवक MIM के, और क्योंकि इनके वार्ड के 22 बच्चे गए थे, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये इनके वार्ड का, क्योंकि इनके वार्ड के नज़दीक ही हम समझते हैं कि एक आधा किलोमीटर भी नहीं राम मंदिर है। जो हुआ था क्या हुआ था सब आपके सामने है, लेकिन दो बात बड़ी इन्होंने अहम की है कि कल जब ईद की सुबह होगी तो हम तमाम यहाँ के कार्यकर्ता, मजलिस के MIM के कार्यकर्ता, वो तमाम लोग हम घर जाएंगे, उनको तसल्ली देंगे, आप खुशी तो मना नहीं सकते लेकिन उनकी खुशियों में शामिल रहेंगे, उनका एहसास दिलाएंगे कि हम आपके साथ में हैं, आपका बेटा गए थे क्या हुआ, आपका भाई आपका बेटा आपके साथ में है, ये साथ दिलाने की कोशिश की जाएंगी। कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि इंसानियत की नज़रिए से एक बहुत बड़ा कदम है, और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले, जैसा शाही साहब ने बताया है कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और मैंने खास कर कहा हूँ कि बार बार मीडिया में भी आ रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कमाने वाले अंदर हैं, सुनने में आ रहा है, शाही साहब ने बहुत खुल के कहा है कि हम उसका भी बहुत ख्याल कर रहे हैं ताकि उनको कोई तरह की गरीबी का तंगदस्ती का एहसास ना हो, तो हम समझते हैं ये भी बहुत बड़ी बात है, अब बाकी तो अल्लाह के हाथ है, बाकी जो तमाम लोग शहर के मिलके कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। अब आप आखिरी में इतना ही कर सकते हैं कि अब सिर्फ दुआ की ज़रूरत है, नेक नियति की ज़रूरत है, उम्मीद करते हैं कि सब मिलके मिलके दुआ कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कामयाबी देने वाला वो है, दिलों को पलटाने वाला वो है। तो उम्मीद करते हैं कल के जब ईद की आप नमाज़ पढ़ेंगे, तमाम लोग चाहे मस्जिद में हों कि ईदगाह में हो, तो उनके साथ साथ तमाम देश के लिए दुआ कीजिए, एकता के लिए दुआ कीजिए, हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब बाकी रहे इसके लिए दुआ कीजिए, और हम सब मिलके रहे, देश मजबूत रहे इसके लिए भी दुआ कीजिए, और देखते रहिए SDM News चैनल।